जब ट्रेनों की बात आती है तो अब छुक छुक करने वाली डीजल और कोयला इंजन नहीं बल्कि वंदे भारत शताब्दी दुरंतो समेत स्पेशल ट्रेनों की रफ्तार याद आती है। अब जहन में आते हैं चमचमाते रेलवे स्टेशन। वाकई ट्रेन का सफर हमेशा रोमांचित करने वाला होता है। भारतीय रेलवे में काम भी कमाल का हो रहा है। जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बातें भी हो रही हैं। काम बड़ी तेजी से चल रहा है, मगर भारतीय रेल की इस अद्भुत मीनाकारी के बीच दिया तले अंधेरा भी है। सुरक्षा की बातें करने वाले अधिकारी मानो किसी नशे में धुत हैं। बुलेट ट्रेन की खबरों के बीच रेलवे के अधिकारी आज भी अंग्रेजों के जमाने की डोमिनेटिंग स्टाइल ही कॉपी कर रहे हैं। सूट बूट डटाकर रेलवे के अफसर एसी कैबिन्स में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। कभी कभार मन हुआ तो भारी भरकम स्टाफ के साथ इंस्पेक्शन या कहें कि सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। खैर, भूमिका बहुत हुई, अब आते हैं असल मुद्दे पर। राष्ट्र की जीवन रेखा, भारतीय रेल की यही टैगलाइन है। मगर दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ यात्रियों का जीवन ही सुरक्षित नहीं है। महज 100-200 रुपए में यात्रियों की सुरक्षा के साथ भारी खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको जब जहां और जो भी सामान भेजना हो, बड़ी आसानी से या यूं कहें कि पूरी जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ सामान पहुंचा दिया जाएगा। बस रेलवे के अटेंडर्स को पैसे दे दीजिए। इसी गैरकानूनी और जोखिम भरे खेल की पोल खोलने के लिए दासूत्र के विशेष संवाददाता संजय शर्मा और अरविंद शर्मा ने लगातार 5 दिन तक अलग अलग ट्रेनों का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें हैरान कर देने वाले मामले सामने आए। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में उजागर हुआ कि कैसे रेलवे के एसी और स्लीपर कोचेस में कहीं भी और कुछ भी सामान भेजा जा सकता है। रेलवे में जारी अनाधिकृत पार्सल डिलीवरी सिस्टम के खेल पर देखिए दासूत्र का बड़ा खुलासा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आखिर कितना सुरक्षित है इंडियन रेलवे। कहीं भी कुछ भी भेजना हो, बस 100-200 रुपए दीजिए, ट्रेन का कोच अटेंडर डिलीवर कर देगा आपका पार्सल। दासूत्र ने किया स्टिंग ऑपरेशन, इंडियन रेलवे ने मूंदी इतनी बड़ी अव्यवस्था को लेकर आंखें। जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12001। दासूत्र की टीम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जहां दोपहर 3:15 बजे नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई। हमारी टीम पार्सल के लिए बिस्किट और लिफाफा लेकर अटेंडर को तलाश कर रही थी। हम जैसे ही C4 कोच के सामने पहुंचे, हमें गेट पर ही अंशु नाम का एक अटेंडर मिला। उससे जब पार्सल ग्वालियर पहुंचाने के लिए कहा गया तो वो महज 200 रुपए में पार्सल ले जाने को तैयार हो गए। अटेंडर ने दासूत्र से बातचीत में कहा कि वो अक्सर ऐसे पार्सल लेकर दिल्ली आता जाता रहता। डील के मुताबिक अटेंडर ने 200 रुपए लिए और पार्सल लेकर कोच के अंदर चला गया। उसने किसी दूसरे साथी से बात की और वापस दासूत्र की टीम के पास आया। उसने टीम से कहा कि ग्वालियर में जो व्यक्ति पार्सल लेने आएगा वो ट्रेन पहुंचने पर मोबाइल नंबर पर कॉल कर ले ताकि उसे पार्सल दिया जा सके। इस दौरान एक बात ने हमें बेहद हैरानी में डाल दिया, वो ये कि अटेंडर और उसके साथी ने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि पार्सल में आखिर है क्या। उन्होंने बस पैसे लिए और पार्सल को टटोले बिना ही रख लिया। सीन 2, जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, ट्रेन शाने भोपाल एक्सप्रेस 12155। ट्रेनों में मनमानी तरीके से सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के कर्मचारियों की ओर से चलाई जा रही पार्सल डिलीवरी सुविधा को और भी बारीकी से जानने के लिए दासूत्र की टीम दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंची। इस बार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली भोपाल मंडल की पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन शाने भोपाल एक्सप्रेस के कोच नंबर B3 में हमें मंसूर खान नाम का अटेंडर मिला। हमारे हाथ में पार्सल देखकर खुद मंसूर ने इशारा किया। हमने उसे बताया कि पार्सल को कानपुर पहुंचाना है। उसने पार्सल देखे बिना ही 200 रुपए चार्ज मांगे और पार्सल को सही सलामत कानपुर पहुंचाने का भरोसा दिलाया। लिहाजा हमने मंसूर को पार्सल और 200 रुपए थमा दिए, जिन्हें लेकर मंसूर कोच के अंदर चला गया। हालांकि ये ट्रेन कानपुर नहीं जाती, लेकिन उस रूट के पार्सल भी बेधड़क पहुंचाए जाते हैं। कोच अटेंडर्स झांसी रेलवे स्टेशन पर संबंधित पार्सल किसी और को दे देते हैं और दूसरा व्यक्ति पार्सल सही सलामत डिलीवर कर देता है। सीन नंबर 3,
जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, ट्रेन गोरखपुर दादर स्पेशल 01028। गोरखपुर से चलकर मुंबई के दादर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन नंबर 01028 रात 12 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी ट्रेन के B1 कोच के सामने दासूत्र के रिपोर्टर ने मुन्ना नाम के अटेंडर से संपर्क किया। हमने उसे भी पहले की तरह लिफाफा दिखाया और पार्सल को भुसावल पहुंचाने के बारे में पूछा तो उसने भी बिना कोई सवाल किए पार्सल पहुंचाने के लिए हामी भरी। लेकिन अटेंडर ने भुसावल तक पार्सल पहुंचाने के लिए सिर्फ 100 रुपए ही मांगे। हमने उसे 100 रुपए और पार्सल थमाया और उसने मुस्कुराते हुए पार्सल को सही सलामत पहुंचाने का भरोसा दिया। तो देखा आपने, चाहे शताब्दी जैसी स्पेशल ट्रेन हो, चाहे भोपाल मंडल की पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन शाने भोपाल एक्सप्रेस हो या फिर गोरखपुर से चलकर मुंबई जाने वाली गोरखपुर दादर स्पेशल ट्रेन, सभी ट्रेनों में कितनी आसानी से हमने पार्सल पहुंचाने के लिए दे दिया और किसी भी ट्रेन के अटेंडर ने पार्सल के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने पार्सल डिलीवर करने के बदले सिर्फ 100 या 200 रुपए मांगे। अब आते हैं पार्सल पर कि पार्सल संबंधित जगह पहुंचा या नहीं। हमने जिन ट्रेनों में जहां के लिए भी पार्सल भेजा था वो सही सलामत पहुंच गया। अब आप ही सोचिए कि जब वर्ल्ड क्लास सुविधा प्रदान करने का दावा करने वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में इतनी आसानी से कोई भी कुछ भी भेज सकता है तो बाकी रेलवे स्टेशन के क्या हाल। और इसी अनाधिकृत खेल का खुलासा करने के लिए दासूत्र ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। दासूत्र ने ऐसे पार्सल भेजे जिनमें बुकलेट, बिस्किट, टॉफी के रैपर और खाली बॉक्स। देश के अलग अलग शहरों में भेजे गए पार्सल को पाने वाले व्यक्ति का केवल नाम और मोबाइल नंबर अटेंडर्स को दिया गया, बाकी कोई भी डिटेल ना तो मांगी गई और ना ही इसकी जरूरत पड़ी। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में साफ नजर आया कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के अटेंडर किस तरह 100-200 रुपए लेकर कोई भी पार्सल ले जाने को तैयार हो जाते। वो ये तक नहीं देखते या पूछते कि पार्सल में क्या सामान, कहीं पार्सल में कोई मादक पदार्थ, प्रतिबंधित दवाएं या ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है। वो ध्यान ही नहीं देते कि पार्सल में कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाले। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडियन रेलवे में कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी और कहीं भी पार्सल भेज सकता है। आखिर यात्रियों की सुरक्षा की चिंता कौन करे। आपने देखा कि AC कोच में तैनात सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर किस तरह पार्सल लेते हैं। वो लिफाफे के अंदर मौजूद सामान की जानकारी लिए बिना ही महज 100 या 200 रुपए के लिए रेलवे की सारी पाबंदियों, नियमों, कायदों और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करते हैं। जिस तरह रेलवे के जरिए लिफाफे बॉक्स में अनाधिकृत डिलीवरी की जा रही है, उसका फायदा उठाकर बदमाश प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी भी कर सकते हैं या क्या पता करते भी हैं। या लिफाफे में कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिससे ट्रेन में मौजूद यात्रियों की जान पर बन सके। अब आप ही सोचिए कि एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में चंद रुपयों के लिए कितना बड़ा खेल अनाधिकृत रूप से चल रहा है। देश भर के रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग हर ट्रेन से मनमाने ढंग से इसी तरह पार्सल भेजे जा रहे हैं जिससे यात्रियों की जान का खतरा तो है ही, साथ ही रेलवे को रेवेन्यू का भारी भरकम लॉस भी हो रहा और इससे किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। यानी दासूत्र के स्टिंग ऑपरेशन से ये तो साफ हो गया कि रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस कदर गंभीर है। अब आप ही सोचिए कि राष्ट्र की जीवन रेखा यानी भारतीय रेल में आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर मैं रेलवे के ही अंदाज में कहूंगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन इंडियन रेलवेज। मंत्री जी, DRM साहब, ये तस्वीरें देखिए और बताइए कि क्या वाकई रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा है।